हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। एसएससी जीडी 2025 2025 के फॉर्म निकल चुके हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म कैसे भरना है, ट्रेनिंग कैसी होती है जीडी के लिए, क्या आपको आगे पढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है, मैंने बीएसएफ की ट्रेनिंग भी देखी है जीडी की, और सैलरी क्या रहती है, वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। फॉर्म्स की डिटेल, माइन्यूट डिटेल्स जो है, एनसीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, ओबीसी एससी एसटी से, जिस स्टेट से वहाँ का डोमिसाइल नहीं है या जिस स्टेट से माइग्रेट होकर दूसरे स्टेट में चले गए हैं तो कैटेगरी का क्या इशू आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डाउट आप सब बच्चों के मन में आ रहे होंगे। ठीक है, जो भी डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर होगा। माय नेम इज़ हेमंत, मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मुझे अब तक पता चली है वो शेयर करूँगा आपके साथ। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको जाननी जरूरी है जब आप एक एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो, और अगर आप उसका टारगेट करके सेलेक्ट होते हो तो आगे फर्दर क्या रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम के बारे में बता दूं आपको कि चार इसमें वो होते हैं आपके लेवल। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, ये चार होते हैं, और हिंदी भी आती है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका रिटर्न क्लियर करना। पहले रिटर्न होता है, रिटर्न में जो है आपके ये चार सब्जेक्ट आते हैं। रिटर्न की तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट बुक एक मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी है ना, पीवाईपी यानी प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लगाओगे, 217 प्रीवियस ईयर पेपर है, 650 से ज़्यादा इनके खुद के मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा रहा है पिछले पेपर्स में। ऑनलाइन ही पेपर होगा तो ऑनलाइन यहाँ पर मिल जाएगा आपको पूरे साल का पास प्रो। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप ये यूज़ करते हो सीयूआरई तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, ये सेल जो है कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए आती है, हो सकता है आगे भी आए पर अभी ये चल रही है। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, जो 2 फ्री में टेस्ट मिलेंगे उन फ्री टेस्ट को दे के देखो कि आपका स्कोर अभी क्या आ रहा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। 250 से ज़्यादा चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल क्या होता है, जैसे आपकी मैथ कमज़ोर है तो सिर्फ मैथ मैथ के दे सकते हो, चैप्टर में जैसे मैथ में कोई चैप्टर कमज़ोर है तो सिर्फ उस चैप्टर के दे सकते हो, साथ में करंट अफेयर के मिल जाएंगे पूरे पूरे टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, टेस्ट बुक का ये ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए फॉर्म की मैं बात करता हूँ एक एक करके, पहले तो बता दूँ आपको कल से फॉर्म निकले हैं और 14 अक्टूबर लास्ट डेट है इसकी, 14 अक्टूबर को तक आप भर सकते हो। इसके बाद अगर कोई गलती हो जाती है तो 5 नवंबर से 7 नवंबर तक उसे करेक्ट कर सकते हो। पेपर के होने के चांसेस जनवरी से फरवरी। ठीक है, इसमें आपको बता दूं अलग अलग फोर्सेस होती है, उनके बारे में अभी आगे बताऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा, कहीं पर भी गुमराह नहीं होना कि ऑफलाइन भरा जा रहा है। 13 रीजनल लैंग्वेज, जहाँ से भी हो, चाहे असम से हो, बंगाल से हो, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, मराठी, सब में होगा ये। ठीक है, आप चूज कर सकते हो, ऑनलाइन ही सब कुछ डालना है, उसके बाद ही ये सिस्टम जो है आप देखोगे। ठीक है, फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा आपका, ये सारी चीज़ें होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, जो कांस्टेबल जीडी की वैकेंसीज हैं सेक्रेटरीट के अंदर, एसएसएफ और एनसीबी की, ये ऑल इंडिया बेसिस पर हैं, जबकि सीएपीएफ की जो है आपके स्टेट बेसिस पर रहेगी, जिस स्टेट से आप भरते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ अभी सैलरी की, देखिए जो एनसीबी के अंदर सिपाही है उसकी सैलरी कम है, बाकी अदर पोस्ट की सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है इसमें, यानी कि अगर एसएससी के सीएचएसएल से कंपेयर करें तो उसके बराबर पहुंच जाता है अलाउंसेस मिला के। ठीक है, तो इसमें लगभग आपकी 35,000 के आसपास सैलरी बनती है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि इसकी सैलरी आपको हाई मिलती है। इस बार जो वैकेंसी ज़्यादा है वो बीएसएफ में है और सीआईएसएफ में है और सीआरपीएफ। बता दूँ थोड़ा थोड़ा इन फोर्सेज के बारे में, बीएसएफ जो है वो आपका इंडो पाकिस्तान बॉर्डर को देखता है मेनली, और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को। इन्फिल्ट्रेशन, जहाँ से वहाँ से अगर कोई भी आता है रिफ्यूजी, जो भी अगर कोई वहाँ का आदमी इधर आता है, जैसे रिफ्यूजी बोलेंगे इंडिया में, ठीक है, उनकी उनको देखना, स्मगलिंग को देखना, ये सारा काम बीएसएफ का होता है। सीआईएसएफ आपको पता है सिक्योरिटी के लिए होता है, एयरपोर्ट वगैरह पर, मेट्रो पर, और भी जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल्स, उन पर भी रहता है। सीआईएसएफ कंपेरेटिवली सबसे सेफ है। इसके बाद एसएसएफ आती है जो सेफ मानी जाती है, ये भी आपकी जो है सेक्रेटरीट की उसमें रहती है, और आप जो है उसमें रहते हो बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी में, जो सेक्रेटरीट के एंट्रिंग वगैरह होती है वहाँ। एनसीबी भी ठीक है। इसके बाद एसएसबी जो है इंडो नेपाल बॉर्डर, ये देखता है। सीआरपीएफ इन सब में थोड़ी सी सबसे ज़्यादा टफ मानी जाती है, क्योंकि नक्सलाइट एरिया में भी रहते हैं और एमरजेंसी में ये इन्हीं को बुलाया जाता है। ठीक है,
तो जितनी भी चीज़ें हुई वो सीआरपीएफ पे डिपेंड करती है, कैलेबिटीज हुई, नेचुरल वगैरह जितनी आती है उसमें सीआरपीएफ का रोल ज़्यादा रहता है। असम राइफल भी सेम तरीके से मान सकते हो, असम राइफल को भी पुलिस को जब लोकल सिक्योरिटी देनी हो, इंडो म्यांमार बॉर्डर पर रहती है ज़्यादातर, और ITBP आपके अरुणाचल बॉर्डर और इंडो चाइना बॉर्डर जो है वहाँ रहती है। तो इन सबका मेनली काम बॉर्डर या नक्सलाइट या ऐसी उनको सिक्योर करना है, ठीक है। तो सारी की सारी अपने आप में बहुत अच्छी है। BSF का तो जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, BSF सबसे ठीक है आफ्टर CISF और SSB और NCB, और ये BSF में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ही रहता है, अगर आपसे थोड़ी भी गलती होती है तो आपको पनिशमेंट उसके हिसाब से मिलती है, ठीक है। ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छा रहता है, 1 साल की ट्रेनिंग रहती है लगभग आपकी। ट्रेनिंग के टाइम पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। सुबह 3-4 बजे उठना होता है, 3 बजे 4-5 बजे तक आपको परेड ग्राउंड में पहुंचना है, वहां पर आपकी परेड होती है, उसके बाद ड्रिलिंग होती है, ड्रिल मार्च होती है, उसके बाद इंडोर क्लासेस होती है, फिर उसकी एक्टिविटीज होती है, आपका लंच डिनर सब ब्रेकफास्ट सब वहीं प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा पीरियड रहता है यहाँ पर, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, पर थोड़ा टफ भी रहता है यहाँ पर, आपको जो है इतनी लिबर्टी नहीं रहती, आप बाहर नहीं जा सकते अपने उसको छोड़ के, शायद एक दिन आप जा सकते हो महीने या जैसे भी आपका अगर इमरजेंसी है कोई उसके हिसाब से, बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपको अंदर ही मिलेगी, लॉन्ड्री हो चाहे कुछ भी हो। तो BSF में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है, BSF हो चाहे कोई भी फोर्सेस हो, वहाँ पर आपका रूटीन यही रहेगा, सुबह 4 बजे उठना, रात को 8 बजे तक सो जाना, और गेम्स वगैरह रहती है शाम को, तो ये सारी एक्टिविटी आपकी कंटिन्यूस चलती है। जॉब पे आने के बाद का मैंने आपको बता दिया है कि जॉब पर आने के बाद बहुत सिनेरियो अलग हो जाते हैं, आपको खुद से सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, सारा रिस्क फैक्टर आपका होता है अगर कुछ भी गलती होती है। तो कंपेरेटिवली अगर आपको पढ़ने का टाइम चाहिए तो CISF आपको चूज़ करनी चाहिए पढ़ने के लिए, सबसे सही CISF में टाइम मिलेगा, फिर NCB वगैरह जो सबसे कम टाइम मिलेगा, CRPF BSF इनमें मिलेगा, ITBP, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको 24 घंटे विजिलेंस रहना है, तो यहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आप ये है कि आपको ये फोर्सेस ज्वाइन करनी है और प्राउड फील होना है, तभी आप जाने का ट्राई करें। अभी फॉर्म भरने की जो डेट है वो अभी है, अच्छा खासा टाइम है, सोच ले पहले अच्छे से, ठीक है। CRPF में मेरा एक फ्रेंड भी गया था जो हमारे साथ ही था, और वो असिस्टेंट कमांडेंट के उस पर गया था, फिर भी वो छोड़कर आ गया क्योंकि उसे UPSC की तैयारी कर रही थी। वहाँ पर आपको टाइम नहीं मिलेगा अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें सोचकर आप फॉर्म भरें, 40,000 वैकेंसीज है, बहुत अच्छी है, मेल फीमेल दोनों की, ठीक है। आगे चलते हैं, एज लिमिट की एक बात करूँ मैं, 18 से 23 साल एज लिमिट है, जिसमें आपकी एज ऑन 1/1/2025 मांगी है, तो अच्छी चीज़ है ये कि आपके पास अभी टाइम है। SC ST के लिए 5 साल का और रिलैक्सेशन, यानी 28 साल तक भर सकते हैं। OBC 26 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। आगे चलता हूँ, अब मैं सर्टिफिकेट की बात करता हूँ। सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट ऐसा है कि भाई अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कोई सा भी, तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो है रिजेक्शन हो जाएगा एप्लीकेशन में, आपको जनरल में डाला जाएगा। दूसरा, SC ST OBC अगर आपके पास एक स्टेट का है और आप दूसरी स्टेट में चले गए हो जहाँ से आप फॉर्म भरना चाहते हो, सपोज आप ऐसे एरिया के हो जहाँ का आपका SC ST सर्टिफिकेट है पर वहाँ आपको लगता है कि इतना अच्छा नहीं है और आप दूसरी स्टेट से भरना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप दूसरी स्टेट से UR में सेलेक्ट होगे, अनरिजर्व में, और अपनी स्टेट से आप कैटेगरी में सेलेक्ट होगे, ठीक है। तो आपका कैंडिडेचर जो है आपकी स्टेट से ही माना जाएगा अगर आप सर्टिफिकेट का चूज करते हो, ठीक है, तब आपको डोमिसाइल देने की जरूरत भी नहीं है। आगे चलते हैं, अगर जो मैंने आपको बता दिया अनरिजर्व वाला, अगर आप बेनिफिट लेते हो, सपोज आपने डिक्लेयर किया ऑनलाइन फॉर्म में कि आप माइग्रेट हो गए हो और आप लेते हो कि आप जिस स्टेट में माइग्रेट हुए वहाँ का, तो आपको जनरल कैटेगरी ही काउंट किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसकी लास्ट डेट है SC ST सबकी क्रेशल 14 अक्टूबर 2024, EWS के लिए 2024-25 आपका ये होना चाहिए, और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 होना चाहिए, यानी कि आपका जो इनकम एसेट सर्टिफिकेट है वो 2024-25 का और आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट 2023-24 का, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये दो छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। आगे चलता हूँ, अब इसमें यह है कि कुछ स्टेट जहाँ पर डोमिसाइल नहीं बन रहा है वहाँ ज़रूरत नहीं है, बाकी सब में आपको डोमिसाइल प्रोड्यूस करने की ज़रूरत रहेगी, तो अभी से अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें जिस स्टेट के हो आप। आगे चलते हैं, NCC वालों के बहुत सारे डाउट आते हैं। देखिए, NCC के मार्क्स आपको बाद में मिलते हैं जब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो जाती है, एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में होगा, जिसका टफ होगा उसको ज़्यादा फायदा होता है, वो मार्क्स जब नॉर्मलाइज हो जाते हैं उसके बाद आपके मार्क्स जुड़ेंगे, जितने मैक्सिमम मार्क्स हैं, 160 का 2% जुड़ेगा, 160 का 5% जुड़ेगा, यानी 8 नंबर NCC C के जुड़ेंगे। एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि ये मार्क्स आपके तभी जुड़ते हैं जब इन सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर लिया जाता है, ठीक है। तो क्रिशल डेट NCC की भी 1/1/25 तक है,
आगे चलते हैं। पेपर में जैसे मैंने बताया 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 40 नंबर के, 20 आएंगे जीके के, 20 आएंगे मैथ्स के और 20 इंग्लिश हिंदी दोनों के, ठीक है। अब इसमें आपका इतनी सारे इसमें कंसीडर होगा, 0.25 मार्क्स रहेंगे हर नेगेटिव के। अगर आपने कोई भी गलत दिया तो 1/4 नंबर आपका कट, 1/8 वाट आपका कटेगा, ठीक है। सिलेबस, सिलेबस की बात करूं, देखो सिलेबस इतना टफ नहीं है क्योंकि इसकी बाकी के प्रोसेस बहुत टफ है, इसलिए सिलेबस थोड़ा नॉर्मल है। रीजनिंग में बेसिक सी रीजनिंग आएगी, जीके में थोड़ा सा आपको वास्ट है, सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैथ इसकी नॉर्मल सी आएगी और इंग्लिश तो बिल्कुल आपकी बेसिक आएगी, ठीक है। तो ये सिलेबस आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ फिजिकल की, 5 किलोमीटर आपको भागना पड़ेगा 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 8.5 मिनट में, मेल के लिए एक और रेस होगी 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हाइट की तो मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157। ट्राइब्स के लिए, एसटी के लिए थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। आगे चलते हैं। चेस्ट की बात करूँ तो आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंशन 5 80 के अलावा, ठीक है। बाकी कैटेगरीज में थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन है, एसटी कैटेगरी में 76। वेट आपका प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मेडिकल आपका बेसिक होगा, जो भी सारे टेस्ट है वो होते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और उसके बाद एक्सरे वगैरह, ये सब चीज़ें होंगी आपकी। आपको डॉक्यूमेंट के टाइम पे 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर आपने फॉर्म में भरा है, और उसके बाद बाकी सर्टिफिकेट अगर आप इनमें एप्लीकेबल हो, कास्ट सर्टिफिकेट आपका ज़रूरी है, और इसके बाद आपका कोई अगर फ्लड वगैरह का है तो वहाँ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कम से कम 30% मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं, और इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाती है, जो कट ऑफ जाएगी उसके हिसाब से रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये और है, शॉर्ट लिस्ट आप जो रहोगे तो जब आप रिटर्न क्लियर करोगे तो 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, 8 गुना, और फिर उसके बाद 2 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे जब आपका मेडिकल हो। 8 प्रेफरेंस मैंने बता दिया आपको, इनमें से 8 डालनी होती है। तो मैं सबसे पहले सीएसएफ को प्रेफर करूंगा, उसके बाद एनसीबी को, उसके बाद एसएसएफ को, उसके बाद जो आपको ठीक लगे उनको कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, ठीक है। टेलीग्राम चैनल एसएससी कोर 123 ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर हमने कल पीडीएफ डाल दी थी पूरी। इंस्टाग्राम पर भी हम डाउट क्लियर कर देते हैं बच्चों के जो भी रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो।